दो वक्त की रोटी के लिए लोगों को क्या कुछ तक करना पड़ता है, आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है, उम्र करीबन इसकी 8-9 साल होगी, लेकिन देखिए किस तरह से दो वक्त की रोटी के लिए ये यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखा रही है। दो वक्त की रोटी के लिए ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जो अपने परिवार और अपना पेट भरने के लिए किस तरह से, आप देख सकते हैं। हम इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार के सिंह द्वार के पास ये नज़ारा है। देखिए छोटी सी बच्ची और किस तरह से एक रस्सी पर चल रही है। तो ऐसी कई प्रतिभाएं लोगों में होती है, वहीं इस छोटी सी बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह से सिर्फ ये ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए इतना जोखिम भरा काम कर रही है, इतना जोखिम उठा रही है और लोगों से चंद एक एक दो दो रुपए के लिए, तो यानी दो वक्त की रोटी के लिए लोग क्या कुछ तक कर जाते हैं। अब देखिए इस लड़की ने पैरों में चप्पल पहन ली, अब चप्पल पहनकर इस रस्सी पर ये अपना कर्तव्य दिखाएगी। सर पर देखिए किस तरह से इसके लोटा एक के ऊपर एक चार लोटे रखे हुए हैं और किस तरह से ये इस रस्सी पर। तो ये हरिद्वार का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि किस छोटी सी बच्ची है और किस तरह से देखिए कर्तव्य चप्पल पहनकर पैरों में वो कैसे कर्तव्य दिखा रही है, वो भी महज दो वक्त के खाने के लिए कि उसका परिवार खाना खा सके। देखिए लोग बाग यहाँ पर आते हैं और इनका गुजारा चल सके इसको लेकर लोग यहाँ पर पैसे देकर जाते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इसके परिजन क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सावन, कहाँ के रहने वाले हो? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो? हाँ, तो हमारा खानदानी धंधा है सर जी, दिन भर में कमा लेते हैं 200-300 रुपया, अपना पेट भर जाए बस वही, क्या करेंगे, पेट के लिए आदमी को तो हर काम करना पड़ता है, वही छोटी बच्ची हमारी रस्सी पे चलती है, क्या करें, पेट के लिए तो ये काम करना पड़ता है सर जी। कब से ये बचपन से लगता है काम करके, ये क्या करें, पेट के लिए तो करना पड़ता है, ऐसी कोई काम ही नहीं है जो हम कर सकते हैं, ये तो हम लोग दादी पीढ़ी सब करते आ रहे हैं। ये किस तरह से एक प्लेट पर, एक पैर इसका प्लेट के ऊपर है और किस तरह से ये इस पर अपना कर्तव्य दिखाएंगी, आते जाते यहाँ पर इसमें पैसे डालकर जाते हैं, आप देख सकते हैं ये इनका कर्तव्य, देखिए इसे गुजारे के लिए कुछ पैसे देकर जाते हैं जिससे इसके परिवार का गुजारा हो जाता है। ओम प्रयास, न्यूज 18, हरिद्वार।